हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वन्ना। तो गाइस, मैंने आप सबके साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉफ़ी के फेस पैक शेयर किए हैं जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। आज मैं आप सबके साथ कॉफ़ी का एक बहुत ही अच्छा स्क्रब शेयर करने वाली हूँ। आप सबको पता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है। इसमें ना हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है या तो गंदी हो जाती है। ऊपर से समर सीजन स्टार्ट होने वाली है, समर में पसीना हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें हमें डीप क्लींजिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो कॉफ़ी होती है वो हमारी स्किन को पॉलिश करने के साथ साथ ब्राइटन करती है, ग्लोइंग बना देती है। साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है या तो स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या तो आपकी स्किन के ऊपर टेनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो उन सब को हटाकर आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है, स्मूथ बनाती है। साथ ही साथ जो हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन होती है उसको भी हटा देती है। तो आज मैं आप सबके साथ एक कॉफ़ी का बहुत ही अच्छा स्क्रब शेयर करने वाली हूँ। ना सिर्फ आप आपके चेहरे के ऊपर बट पूरी बॉडी के ऊपर, नेक एरिया पर, हैंड्स के ऊपर, आप आपकी बैक साइड पर या तो लेग्स के ऊपर इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और आने वाली जो समर सीजन है उसमें हमें पसीना होता है, पसीने के बाद जो धूल मिट्टी जम जाती है तो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करके आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करेगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने मेरी आईडी मेंशन कर दी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आपको नहीं पता होगा जो कॉफ़ी एक सिंपल इंग्रेडिएंट है उसको मिरेकल इंग्रेडिएंट बोला गया है, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है उसमें भर भर के यू नो पावर हाउस रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है उसको आप यू नो हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है वो हमारी स्किन को, जब हमारी स्किन सन रेज के कारण, यूवी रेज के कारण डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम करती है, वेनेट करती है। साथ ही साथ हमारी स्किन को यंग करने का और टाइट करने का काम करती है। साथ ही साथ जो कॉफ़ी होती है उसमें न्यूट्रिशन भर भर के होते हैं, वो हमारी स्किन से डेड स्किन हटाकर हमारी स्किन को सॉफ्ट कर देती है, स्मूथ कर देती है और ब्राइटन करने का काम करती है। आने वाली गर्मियों की सीज़न में आप सबको पता है कि टेनिंग होना आम बात है, तो अगर आपको टेनिंग हटानी है तो आज मैं आपको जो स्क्रब बताने वाली हूँ ना उससे आप आपके स्किन को एक या दो शेड लाइट करने के साथ साथ स्किन को पॉलिश कर सकते हो। तो गाइस, आज मैं आपसे एक बेस्ट अरेबिका कॉफ़ी बॉडी स्क्रब की बात करूँगी जिसे मैंने अमेजोन से परचेज किया था और काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि समर में इस तरीके का जो बॉडी स्क्रब होता है ना वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो ये है ऑर्गेनिक फोर केयर का अरेबिका कॉफ़ी बॉडी स्क्रब जो और भी नेचुरल इंग्रेडिएंट को इन्फ्यूज़ करके बनाया गया है। इसमें ब्राउन शुगर, जोजोबा ऑयल, एप्रिकॉट कर्नेल ऑयल है जो सब मिलाकर एक स्किन का पावर हाउस की तरह काम करते हैं। और भी जब आप इसको ओपन करते हो ना तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा यू नो इसकी नेचुरल कॉफ़ी वाली आपको स्मेल आएगी। इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो अमेजोन पर आपको ये ईजिली मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं फेस के ऊपर ऑर्गेनिक फोर केयर का जो नेचुरल अरेबिका कॉफ़ी बॉडी स्क्रब है वो इस्तेमाल करूँगी। तो आपको सबसे पहले फेस को हल्के गुनगुने पानी की मदद से वेट कर लेना है जिससे स्क्रब अच्छी तरीके से अप्लाई हो सके और स्प्रेड हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेस मैंने गुनगुने पानी से वेट कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रब लेना है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इनफ हो जाती है तो ये स्क्रब आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। मसाज करके करने के वक्त आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है। हल्के हल्के अगर आप मसाज करोगे ना तो आपकी स्किन के ऊपर जो भी डेड स्किन होगी वो हट जाएगी। साथ ही साथ समर में टेनिंग की प्रॉब्लम होना आम बात है तो टेनिंग हटाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है फेस के ऊपर, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है या तो आपको सन स्पॉट्स के निशान हो गए हैं तो इन सबको, ये सारी स्किन प्रॉब्लम को हटाने का एक बहुत ही अच्छा काम करेगा। आपके फेस को डीपली क्लीन करके पोर्स में से जितनी भी गंदगी है उसको हटा के आपकी स्किन को ब्राइटन करने में, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाने में आपको हेल्प करेगा, इम्प्यूरिटीज हटाएगा। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको क्या करना है, 4 या 5 मिनट तक ही हल्के से मसाज करनी है। उसके बाद आपको फेस को अच्छी तरीके से धो लेना है। जैसे ही आप आपका फेस धोगे ना आपका फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बॉडी पॉलिश अच्छी से हो जाएगी, आपके फेस के ऊपर जितनी भी गंदगी होगी वो हट जाएगी तो फेस के ऊपर आपको नेचुरल ग्लो दिखाई देगा, साथ ही साथ स्किन काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप अगर वीक में 2 बार ये स्क्रब आपके फेस के ऊपर इस्तेमाल करोगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर कि कॉफी स्किन टाइटनिंग के लिए कैसे काम करती है, चाहे भले वो आपको यू नो फेस की स्किन को टाइट करना हो, हैंड्स की स्किन को, या तो लेग्स की स्किन को। आप कॉफी से पूरी बॉडी की स्किन को टाइट करने के साथ साथ यंग भी बना सकते हो। कॉफी होती है उसमें कैफीन प्रेजेंट होता है जो हमारी सेल्यूलाइट के अगेंस्ट काम करके जो सेल्यूलाइट होता है उसको रिमूव करने का, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो आप यू नो ये जो कॉफी वाला स्क्रब मैंने आपको बताया वो आप हफ्ते में 2 या 3 बार आपकी पूरी बॉडी के ऊपर स्क्रब करोगे तो जो आपकी स्किन होगी वो धीरे धीरे करके टाइट होने लगेगी। इस तरीके से आपको फिर से फर्म और टाइट स्किन मिलने में हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए अब हमारे हैंड्स के ऊपर इसको अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हैंड्स में काफी ज्यादा डर्ट जमा हो जाती है। तो हैंड्स में भी आपको सेम तरीके से आपका हैंड्स थोड़ा सा गीला कर लेना है। वेट करने के बाद आपके पूरी बॉडी के ऊपर जहां पर आप बैक एरिया पर लगाना चाहते हो या तो पूरे बॉडी के ऊपर आप इसको फोकस करके अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ऊपर की परत के ऊपर जो भी गंदगी होगी उसको हटाना ईजी हो जाएगा। और 3 या 4 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। सेम वे में आपको नेक के एरिया पर, आपके बैक के एरिया पर, आप आपके लेग्स के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने हैंड्स को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। हैंड्स के ऊपर भी आपको क्लियरली विजिबल रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। अब बारी आती है यहाँ पर लेग्स की। तो देख सकते हो यहाँ पर कि लेग्स मेरे काफ़ी ज़्यादा डल है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मेरे लेग्स को मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगी, गीला कर लूँगी, ताकि स्क्रब करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये स्क्रब लेकर मेरे लेग्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से मसाज करूँगी। हमारे जो लेग्स होता है ना उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ताकि हमारे जो हैंड्स, ताकि क्या होता है कि हमारे जो फेस की स्किन होती है और लेग्स की जो स्किन होती है ना टोटली अलग दिखाई देने लगती है। तो ऐसे में अगर आप ये स्क्रब पूरी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करोगे तो पूरी बॉडी का जो कलर होगा वो इवन भी हो जाएगा, साथ ही साथ टेनिंग हटाने में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो अच्छी तरीके से आप आपके लेग्स के ऊपर, साथ ही साथ एंकल एरिया पर, फिट पर अच्छे से मसाज कीजिए। जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी होगी वो ईजिली रिमूव होने में आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद बस आपको नॉर्मल जस्ट टैप वाटर से आपका जो जहाँ पर आपने स्क्रब किया है उसको आप वॉश कर लीजिए। विद इन अ फ्यू मिनट्स आप देखोगे ना तो आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आपको दिखाई देगा, साथ ही साथ पॉलिश हो जाने से स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से आप पूरी बॉडी में, यहाँ पर मैंने आपको जो ऑर्गेनिक 4 केयर का नेचुरल अरेबिका कॉफ़ी बॉडी स्क्रब बताया वो हफ्ते में 2 बार करोगे ना तो भी आपको इनफ रिजल्ट मिल जाएगा। और ऑर्गेनिक 4 केयर का यहाँ पर मैंने आपको जो स्क्रब बताया ना उसमें एप्रिकोट ऑयल और जोजोबा ऑयल जैसे रिच ऑयल मिलाए गए हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेंगे, उल्टा आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में, नरिश करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अब गाइस जल्दी से मैं आपको गिव अवे 10 के 2 विनर कौन है ना वो बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी गिव अवे 10 के विनर्स कब आप अनाउंस करने वाले हो। तो सबसे पहले गिव अवे 10 में मैंने क्या प्रोडक्ट रखी थी यहाँ पर आपको पिक्चर्स मिल जाएगी, दोनों को सेम प्रोडक्ट मिलेगी, जस्ट यहाँ पर लिपस्टिक का जो शेड होगा वो अलग मिलेगा। तो गिव अवे 10 के जो 2 विनर्स है वो है सालू गुप्ता और सेकेंड है अभी मीना। तो आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप आपका पूरा एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ, पूरे नाम के साथ, आपकी जो गली नंबर या जो भी कुछ है ना वो पूरा एड्रेस होना चाहिए, मुझे मेरे मेल आईडी पर आप सेंड कर दीजिए। यहाँ पर मेरी मेल आईडी आपको दिख रही होगी। तो जो लोग नहीं जीते हैं उनको मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ बिल्कुल भी दुखी मत होना, क्योंकि 2 या 3 दिन में मैं फिर से न्यू गिव अवे रखने वाली हूँ। तो आप फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस देखना ताकि आपको नेक्स्ट गिव अवे मैंने क्या प्रोडक्ट रखी है उसका आइडिया हो जाए। तो देखा ना गाइज आपने कि यहाँ पर मैंने आपको जो ऑर्गेनिक 4 केयर का नेचुरल अरेबिका कॉफ़ी बॉडी स्क्रब आपको बताया ना, इसको यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। जस्ट आपको वेट करके पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर देना है और अलग अलग इंग्रेडिएंट बाजार से लाकर, मार्केट से लाकर आपको मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, साथ ही साथ ये पैराबीन फ्री है और 100% वीगन और 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगी तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली इसको बाय करना और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरे चैनल में और भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो आप यहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। टिल देन बाय गाइस, लव यू ऑल।